सो है फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आज है 29 जनवरी। आज सुबह सुबह आपका भाई उठ गया क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना है, आरजी वीडियो अपलोड करना है। आज ही शूट करके आज अपलोड करना है। आज कुछ ठंडा लग रहा है क्योंकि सुबह सुबह ना है। और इग्नोर करो मेरा हेयर को। इससे पहले वाला वीडियो को आप लोग इतना प्यार दिए उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। और इस वीडियो को भी उतने प्यार दीजिए जितना पहले वाला वीडियो प्यार दिया था। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैंने क्या क्या खरीदा, ए टू जेड बताने वाला हूँ, कितना क्या प्राइस पर क्या चीज़ खरीदा मैंने, और एक मोटर ब्लॉगिंग सेटअप के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। सो गाइस देखो प्यार दो, आर में ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि बॉस से आना पहले स्किप कर देते हो। और कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो। सो फ्रेंड्स, हर एक ब्लॉगर का सपना होता है GoPro से वीडियो बनाने का। सो मतलब मेरा भी बहुत सपना था, मतलब सपना क्या, मतलब बहुत दिन से ही था, स्टार्टिंग जब से किया था मैं सोचा था GoPro ही लूँ, पर मेरे पास उतना ब्रांड नहीं था कि मैं GoPro ले सकता था। जिसका वजह से मैंने स्टार्ट किया HS6 लेने के लिए, वो बिगनर के लिए बेस्ट एकदम। उसके बाद कुछ ब्रांड बनाया, कुछ सेविंग किया, काम किया, कुछ इधर उधर से करके खुद से प्रॉफिट मनी सेव कर लिया, जबकि अभी तक मेरा यूट्यूब से पेमेंट 1 रुपये भी आया नहीं है। इधर से उधर से सेव करके मैंने आज, मतलब आज क्या 2 दिन पहले मैंने GoPro Hero 9 लिया। और इसका मैं आज अनबॉक्सिंग करूँगा, इसके बारे में इसे फीचर्स के बारे में ए टू जेड बताऊँगा, और मोटर ब्लॉगिंग सेटअप के लिए क्या क्या लगता है मोटर ब्लॉगिंग के लिए, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में पता चलेगा। तो मैंने पहले लिया GoPro Hero 9। बहुत लोग कमेंट कर बोल रहे थे इससे पहले वाला वीडियो में कि भैया GoPro Hero 10 क्यों नहीं लिए, वो ज़्यादा लेटेस्ट है। मैं उस वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं बैठ से थोड़ा ज़्यादा चल रहा था। अब फिलहाल मैं GoPro Hero 9 से बहुत खुश हूँ। ये मेरे क्वालिटी से भी, साउंड से भी, ए टू जेड के मतलब परफेक्ट था, परफेक्ट लगा रिव्यू देगा मैंने। अभी मैं 2 दिन से यूज किया हूँ तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसके लिए मतलब मोटो ब्लॉगिंग के लिए क्या क्या मान लिया कर लो। सो मोटो ब्लॉगिंग के लिए क्या क्या बेस्ट होगा मैं बताता हूँ। मैंने लिया है GoPro Hero 9 मोशन कर दी थी। इसके बाद माइक एडाप्टर जो सबसे ज़रूरी है। उसके बाद मैंने लिया सोनी का एक माइक, ये तो इसके बिना हो ही नहीं सकता। उरांजी का केस, ये तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इसके बाद कितना किसका क्या प्राइस पड़ा है मैं इसको वीडियो का कभी ही बोल दूँगा, कभी वीडियो का बीच में बोल दूँगा कभी, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। और एक SD कार्ड लिया हूँ 128 GB का, यही सब लिया हूँ फिलहाल। और अब आपको बताते हैं, और एक चीज़ लिया हूँ मैं, बताऊँगा वो क्या लिया, सरप्राइज है। सो फिलहाल इसको 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 और इसको करते हैं साइड में, अभी फिलहाल इसको करते हैं, उसके बाद फिर करेंगे उन लोगों में हाथ देंगे। सो जैसे जैसे तो ये खुला हुआ पहले से, भाई आपका पहले से खोल के चेक किया इसलिए खुला हुआ, ठीक है। सो गाइस आपको पहला एक इतना अच्छा बॉक्स प्लास्टिक से फुल रैप किया हुआ, जैसे मैंने फाड़ दिया आप लोगों को दिखाने के लिए, मजाक कर रहे। उसके बाद एक मतलब पहले तो देता था एक केस, इसमें मतलब उतना प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया है, पहले बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ किया था, यही एक अच्छा चीज़ है। उसके बाद ये डब्बा, उफ मतलब कितना प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है, कितना सॉलिड लग रहा है देखने में यार, सुस देख सकते हो आप लोग, फुल धमाका यार, हेवी लग रहा है। मतलब सोचो इसके अंदर कैम, इसने ये लिखा हुआ भी है, सर्टिफाइड भी किया है कि अगर इससे कैमरा गिरा इस डब्बा से तो कैमरा को कुछ चोट नहीं पहुंचने वाला, कुछ 10 या 20 मीटर कुछ बोला गया था। सो गाइस सोच भी सकते हो कितना अच्छा इस बार GoPro ने किया है। चलो फिलहाल जिसका वेट सब आप लोगों ने किया था वो करते हैं अब। सो बोलो खोल ले क्या, चलो आप लोगों ले कहा वेट कराएंगे इतना, सोचते हो कितना वेट करा देंगे। 1 2 3। तो इसमें कुछ पढ़ने के लिए ये सब दिया गया है जो आप लोग सोचेंगे बिना कहीं पढ़ेगा ही नहीं, ये सब क्या करेंगे, टाटा बाय बाय देखो। और ये एक चीज़ मैंने रखा है इसके अंदर, ये बिल है, ये खुलिया सिंह सिंह, नहीं दिखाऊंगा इसको भी करो साइड साइड। सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं, इसके साथ मिलता है एक डाटा केबल जो सी टाइप का है, सबसे अच्छा GoPro का है, देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ, दिख रहा होगा तो सही, नहीं दिख रहा होगा तो कोई भी बात नहीं। और एक सिंगल बैटरी मिलेगा, सब सोचते होगा डबल बैटरी, सोचते होंगे कैमरा के अंदर एक रहता है और बाहर एक रहता है, ऐसा कुछ नहीं, एक सिंगल बैटरी मिलेगा आपको। और कुछ माउंट मिलेगा जो आप कहीं भी ला सकते हो, ये माउंट का एक फ़ायदा है कि इसके अंदर मैग्नेट है, आप कार में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो इसको आप
इजिली कहीं भी लोहे के ऊपर चिपका सकते हो और टाइम लेफ जो भी करना है आप कर सकते हो। ये एक अच्छा चीज़ है, तो फिलहाल सबको रखते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आ गया गाइस, देख सकते हो आपका भाई निकलते हुए हीरो 9 निकल रहा सिम। अरे भाई गुस्सा है का, देख सकते हो पहले से कागज से रैप किया गया है। बूम 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 बूम, पहले आप अच्छे से देख लो, मन बढ़ गया। सो गाइस मैं अभी इसको पहले बैटरी लगाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, बहुत लोग ये सोचते हैं इसको कैसे खुलता है, मतलब प्रॉब्लम होता है विघ्नों लोग के लिए कैसे ये खुलता है, क्योंकि यहाँ से जो क्लिप इसका दिया हुआ है बहुत ही सोचते हैं, मतलब नए नए जो रहते हैं वो सोचते हैं कैसे टूट ना जाए ये कुछ ना, मतलब भाई डरने का नहीं है, कुछ सिंपल सा है, फ्री माइंड होगा आराम से, बस इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करोगे ये ऐसा ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद ये खोला, ये रहा अपन बैटरी, इसको लिया ऐसे और सिंपल से ऐसे चल डाल दिया। उसके बाद सिंपल से क्या करना है, इसको ऐसे टिपना है और ये पुश कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक है मोड बटन जो इससे चालू होगा ऊपर से, जब बाद में बताएंगे मैंने बताएंगे। अगर ये सिंपल है, एक क्लिक नॉर्मल एक क्लिक, देख सकते हो लाइट जला, खुल गया सिम खुल गया। सो गाइस इसमें कुछ बाहर कार्ड डालेंगे कार्ड डालने के लिए बोल रहे हैं, इसमें कुछ 1, 2 और 1, 3 स्क्रीन है फुल। ये वाटरप्रूफ है कैमरा, सब जानते ही हो, छोड़ क्या बोलेंगे। सो गाइस अब आप चलते हैं प्राइस के ऊपर, बहुत लोग वेट कर रहे होंगे किसका क्या प्राइस होगा। सो गाइस मुझे इसका सब चीज़ का प्राइस बहुत ही कम पड़ा, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, एक आईफोन सारा ग्रेड में जितना मैं सब कुछ दिया हूँ, आपका माइक हो गया, फिर आपका लाइजिंग का केस हो गया, फिर मैग एडाप्टर हो गया, मोबाइल कार्ड हो गया और GoPro Hero 9, ये सब चीज़ जोड़ के आप एक आईफोन 11 256 GB ले सकते हो, मतलब समझ लो उतना पड़ा। फिर भी आपको भाई मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। सबसे आते हैं पहले सबसे छोटा से सबसे बड़े में जाएंगे। तो ये मेमोरी कार्ड है 128 GB का है, मुझे पड़ा ये कुछ 1600 रुपये का, ठीक है। इसके बाद ओलाजिन का केस का, ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मोटर ब्लॉगिंग के लिए, ये मुझे पड़ा 950 950 रुपये। उसके बाद सोनी का माइक का, मैं बोया का माइक यूज़ करता था, रोड का माइक यूज़ करता था, पर मुझे सोनी का बहुत आगे मैंने यूज़ किया सोनी का, जिसका मुझे सोनी बहुत ही बेस्ट लगता है, इसका प्राइस थोड़ा बेसी है, ये मुझे पड़ा 3200 रुपये का, बट सॉलिड है। अब आते हैं माइक एडाप्टर के ऊपर, ये माइक एडाप्टर है GoPro का, ये 8, 9 और 10 के लिए है, ठीक है। ये मेरे को पड़ा कुछ कितना होगा, गेस करो कमेंट करो बताओ कितना सौ रुपये, इसका प्राइस है 3800, मतलब 3800 रुपये का। सब चीज़ हो गया, आप लास्ट एक चीज़ बचा हुआ है, वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, गेस करो आप लोग, चलो बात करते हैं। GoPro Hero 9 ये मुझे पड़ा 35000 का, विथ बिल एंड वारंटी का साथ 35000। सो गाइस यू सी दिस गाइस नंबर 1 हरामी गाइस। सो गाइस आप लोग काउंट कर लो कितना क्या पड़ा, और मुझे एक जो उसमें टोटल 3 ग्लास है, 3 ग्लास के ऊपर कांच लगाना है, जो ग्लास होता है ग्लास में क्या बोलता है मैं बोल रहा हूँ, उस ग्लास को मुझे लाने में लग गया 400 रुपये। इसका बॉक्स देख सकते हो, ये इसका बॉक्स है, ठीक है, जैसे इसको लगाना है मुझे कुछ 400 लग गया, मतलब समझ लो आपका 45-46 का समथिंग है, वो सब कुछ पड़ गया है, और भी कुछ सामान लिया है इस कारण से 46-47। मैं आईफोन 11 ले लेते भाई, चलो कोई नहीं, पर मेरे आईफोन 11 नहीं लूँगा मैं, मुझे आईफोन 13 बहुत पसंद है, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी आईफोन 13 आने वाला है, पहले इसे थोड़ा कुछ धमाका था वीडियो करें, उसके बाद आईफोन 13 प्रो मैक्स नहीं लूँगा, आईफोन 13 ही लूँगा, अगर 14 आ गया तो 14 पसंद आया तो 14 लूँगा, पर आईफोन 13 जल्दी आने वाला है, और पहले आप इस वीडियो देखो और प्यार दिखाओ। सो गाइस इतना सारा प्राइस बता दिया हूँ आपको, अब जाओ वीडियो देखो, और लास्ट वीडियो का लास्ट में बताने वाला हूँ मैं कैमरा की क्वालिटी और कैमरा में कैसा क्या क्या है वो सब। सो वीडियो देखो। सो गाइस अब तो अगर नए कोई में कोई भी नया होगा तो GoPro लोगों तब चलाना सीख ही जाओगे, प्लस मुझे उतना नॉलेज खुद है नहीं सेटिंग्स को लेके, बट फिर भी जो है आपके साथ शेयर कर
करना बनता है। ये पूरा टच स्क्रीन है, देख सकते हो ऊपर नीचे दायां बायां या जो भी अपना सेटिंग करने का, इधर भी जो सेटिंग आपको जो अच्छा लगे मतलब करो अपना, जिस जिसके लिए, मैं जो ब्लॉगिंग के लिए, मोटर ब्लॉगिंग के लिए यूज करो या नॉर्मल ब्लॉगिंग के लिए, जिसके लिए भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। और यह है स्टैंडर्ड, जहाँ है कुछ एक्टिव सिनेमैटिक स्लोमो, मतलब जो आपको करना है वो। और यहाँ से एडिट करने का, आप एडिट करके जो मोड में लगाना लगाओ, और इसको आप अपना 5K 4K आपको जितना भी रखना है आप रख सकते हो चिंता के। देखो जैसे बताते हैं, मुझे भी 4K करना है, ठीक है, सॉरी नहीं मैं अथी लगा मोबाइल कार्ड नहीं लगा, इस कारण से नहीं हो रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तुम्हें वो समझ में आई है, मुझे ए 180 ठीक लगता है, वही सही है, क्योंकि मुझे वो बेस्ट लगता है, अब से मुझे हटाना है। चलो हट गया, हट गया, हट गया। सो गाइस जाओ, इसका कुछ सिनेमैटिक शूट किए हैं, सिनेमैटिक को इन्जॉय लो, और बताओ वीडियो कैसा रहा। फिलहाल मैं इसमें मेमोरी चिप डालने वाला हूँ, मेमोरी चिप कहाँ, मेमोरी कार्ड कहाँ डालता है ये, फिर इसको खोले, खुल जाए सिम, ठीक है, ठीक दे सकते हो, या मेमोरी कार्ड लगने का कुछ दिख रहा आपको, ये देखो मेमोरी कार्ड लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका चार्जिंग पॉड है चार्ज करने के लिए। बट मैंने तो एडेप्टर ले लिया, कोई टेंशन नहीं है चार्जिंग का भी ना, और मैक का, सो सही है। फिलहाल इसे मेमोरी कार्ड पुट करते हैं और मिलते हैं डैडी से ब्लॉगिंग करते हुए, थोड़ा सा बताएंगे कैसा क्वालिटी है, कैसा क्या है, मुझे खुद नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। सो मिलते हैं डायरेक्ट उसमें। तो भाई कैसा पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है हमको खुद नहीं पता। सो गाइस आपका भाई आ गया पहली बार GoPro Hero 9 अपना माइक के साथ ब्लॉगिंग करते हुए। सो अब तो थोड़ा क्वालिटी अच्छा दिख रहा होगा आप लोगों को, और वॉइस क्वालिटी भी मुझे खुद नहीं पता कैसा आ रहा नहीं आ रहा, बट जो भी होगा सही ही होगा। अब आएगा आप लोगों के लिए धमाकेदार वाला वीडियो, सो वेट करो, सी यू सीन। अब जल्दी जल्दी ब्लॉग आएगा गाइस, जल्दी जल्दी मतलब बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि लैपटॉप भी ठीक हो गया है, प्लस आपका कैमरा का भी टेंशन खत्म हो गया। सो भाई अब बस आप लोग को इतना ही बोलना है, प्यार दिखाओ और वीडियो का बेस्ट पार्ट को कमेंट करो। मिलते हैं अगले कोई ब्लॉग में, फिर से यार करेंगे हम लोग मिलकर दोनों, तब आई भला मजा।